हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल सारूज एम्पायर। मुझे उम्मीद आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। आज का ये वीडियो है अमेजन फैशन हॉल, और अभी चल रहा है नवरात्रा सीजन, फेस्टिव सीजन चल रहा है। तो बहुत सारे बैक टू बैक बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है, टाइटल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये गरबा एंड नवरात्रा स्पेशल है। तो आज की इस वीडियो में दिखाऊंगी गरबा ड्रेस एंड गरबा ज्वेलरी जो मैंने रिसेंटली अमेजन से लिया है, और मैंने क्या क्या लिया है गरबा के लिए। गरबा के लिए आप आउटफिट तो चेंज कर सकते हैं तरह तरह की, बट ज्वेलरी को आप रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि गरबा में सबसे ज्यादा जाती है सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो यहाँ पे मैंने गरबा की एक बहुत प्यारी सी ड्रेस ली है, बहुत प्यारा सा आउटफिट लिया है, साथ में मैंने सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी ली है, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे से जा रही है ड्रेस के साथ, और बाद में भी आप उसको किसी भी ड्रेस के साथ कैरी कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मैंने क्या क्या लिया है और किस किस प्राइजेस में मैंने लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे ज्वेलरी से हम शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहली शुरुआत कर रही हूँ नेकलेस से। तो मैंने यहाँ पे चोकर नेकलेस लिए हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। तो पहला जो चोकर नेकलेस मैंने लिया है, ये वाला लिया है ब्लू कलर का, एंड ये इयररिंग्स के बिना ही आया, इसमें इयररिंग्स नहीं है, बट ये 170 रुपीज में मैंने लिया है। इसमें आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, मैंने ब्लू ही लिया है। इसमें आपको ग्रीन, ब्लैक एंड पिंक, मरून भी मिल जाएगा, 170 रुपीज में लिया है। और आप गरबा की ड्रेस के साथ जब इसको कैरी करेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेटी लगने वाला है, ठीक है। तो ये वाला 170 रुपीज में लिया है। नेक्स्ट एक और लिया है मैंने, जो इयररिंग्स के साथ आया है, और वो भी चोकर नेकलेस ही है। तो गरबा की ड्रेस के साथ चोकर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, आप चाहो तो लॉन्ग वाला भी पहन सकते हैं, बट मैंने चोकर ही लिया क्योंकि मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है चोकर नेकलेस। यहाँ पे शीशा वर्क यानी मिरर वर्क के साथ लिया है ये वाला नेकलेस, ये वाला मुझे जस्ट 200 रुपीज में मिला है, इयररिंग्स के साथ आया है, और ये भी पहनने पे बहुत ज्यादा सुंदर लगेगा। इनको आप बाद में भी किसी साड़ी और सूट के साथ भी कैरी करेंगे तो बहुत प्यारा ये लगने वाला है, ठीक है। तो इस वाले नेकलेस के साथ मुझे यहाँ पे दो इयररिंग्स मिले हैं, और मिरर वर्क के, और काफी बड़े बड़े इयररिंग्स आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला भी बहुत अच्छी सेल प्राइस में मैंने लिया है। नेक्स्ट ज्वेलरी में जो मेरे पास जो है वो झुमका, जो कि बिल्कुल ऐसे दुर्गा पूजा और नवरात्रों वाला जो डिजाइन होता है वो ही है, और ये वाले झुमके जो कि बहुत ज्यादा प्रेटी लग रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को ये झुमके बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। आप देख सकते हैं कितने ज्यादा, ये जस्ट 250 रुपीज में मैंने झुमके लिए हैं, और इनका साइज बहुत ही बड़ा बड़ा है। तो बड़ा साइज ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, देखो कितना बड़ा साइज, बहुत लाइट वेट है, मतलब आपको दिखने में बड़े दिख रहे हैं बट बिल्कुल भी हेवी नहीं है, बिल्कुल लाइट वेट है, और इनका भी बहुत अमेजिंग सेल प्राइस है। और ये सिल्वर ऑक्सीडाइज में ऐसे थोड़ा ब्लैकिश लुक है इनका, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और बाद में आप इनको किसी भी हैंडलूम साड़ी के साथ पहनोगे तो बहुत प्रेटी लगेंगे, कुर्ता सेट के साथ पहनोगे तो भी सुंदर लगेंगे, और गरबा ड्रेस के साथ तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ज्वेलरी में मैंने लिया है, जो कि बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, उसके बिना आपका गरबा लुक ना अधूरा ही रह जाएगा, यहाँ पे वो है मैंने बोरला जो लिया है। यहाँ पे आप मांग टीका में अगर इस तरह का कोई बोरला नहीं लोगे तो आपका गरबा लुक डेफिनेटली अधूरा ही लगेगा। तो यहाँ पे मैंने ये बोरला लिया, जस्ट 80 रुपीज में मैंने ये लिया है, और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, एंड सी कितना सुंदर लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत क्यूट सा छोटा सा, 80 रुपीज में मैंने लिया है। इसमें आपको और भी बड़े साइजेस मिल जाएंगे, मैंने तो छोटा सा ही लिया है स्मॉल साइज में ही, और ये भी सिल्वर ऑक्सीडाइज है, और इसके बिना तो गरबा का लुक डेफिनेटली अधूरा है। तो बहुत ही अमेजिंग प्राइस है ये, 80 रुपीज में क्या आता है, और आपको इसमें बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे, आप चाहो तो कोई और मांग टीका भी ले सकते हैं, बट मैंने तो यही लिया है, गुजराती स्टाइल बोलना एकदम। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बहुत ही अमेजिंग, वो भी गरबा की ज्वेलरी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो इस तरह के बॉक्स में मुझे आया है, और यहाँ पे वो है ब्रेसलेट। आप चाहो तो यहाँ पे बैंगल्स पहन सकते हो, और भी कुछ चूड़ियां टाइप कुछ भी पहन सकते हो, बट यहाँ पे मैंने तो ये वाला ब्रेसलेट लिया भाई, क्योंकि मेरे को तो यही पहनना है, और ये जस्ट 200 रुपीज में मैंने लिया है। इसमें भी आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे, ये वाला लिया है 200 रुपीज में, और गरबा की ड्रेस के साथ ये भी बहुत अच्छे से जाने वाला है। मेरी वॉच है तो मैं इसको पहन के कैसे दिखाऊं, चलो दिखा सकती हूँ, सी कितना प्यारा लग रहा है,
तो इसमें भी आपको डिजाइंस मिल जाएंगे और बाकी तो फिटिंग का तो कोई इश्यू नहीं है, इसको थोड़ा सा ऐसे प्रेस करेंगे तो ये आपके हाथ में अच्छे से फिट आ जाएगा। तो ये बाद में आप वेस्टर्न ड्रेस के साथ भी पहन सकते हैं, कुर्ता सेट के साथ, साड़ी के साथ, मतलब ऑक्सीडाइज ज्वेलरी ऐसी है ना, तो आप एक बार ले लो तो आप उसको किसी भी साथ, मतलब मल्टीपल यूजेस है उसके, किसी के भी साथ उसको पहन सकते हो। अब सब कुछ हो गया बट रिंग तो रह गई हमारी, तो यहाँ पे दो रिंग भी मैंने ली है जो कि एक तो नॉर्मल है, दोनों ऑक्सीडाइज है, बट दूसरी यहाँ पे गोडेस वाली है लाइक। तो यहाँ पे एक रिंग मैंने ये ली है 120 रुपीज की, तो ये भी सिल्वर ऑक्सीडाइज है और पहनने पे बहुत ही अच्छी लगती है ये, इस पे भी पहन सकते हो, इसमें जिसमें भी आपको पहनना हो उसमें पहन सकते हो। तो ये बहुत ही प्यारी है और ये ड्रेस के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से जाते हैं। अगर आपको ये तो है नॉर्मल साइज, अब मैंने एक बहुत बड़ा साइज भी लिया है, ठीक है, वो यहाँ पे गोडेस वाला, यहाँ पे माँ दुर्गा का ये बना हुआ है, तो दुर्गा पूजा में अगर पहनते हो आप तो बहुत ही ज्यादा प्यारा और बहुत सूटेबल पीस हो गया एक तरह से ये। तो ये दुर्गा, माँ दुर्गा का यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है, तो ये गोडेस प्रिंट जो डिजाइन है, मतलब वो जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और इसको आप किसी भी फिंगर में डाल के देखिए एकदम मजेदार लगेगी, बहुत ज्यादा सुंदर लगेगी ये। तो ये देखिए, तो ये थोड़ा बड़ा साइज है, अगर आपको थोड़ा बड़ा कैरी करना हो तो ना आप ये वाला ले सकते हैं, ये 200 रुपीज की है। अगर थोड़ा छोटा करना हो तो आप वो वाला ले सकते हो, डिपेंड करता है आपको किस तरह की आपकी चॉइस है। तो ज्वेलरी का पार्ट तो हमारा हो गया, अब हम यहाँ पे ड्रेस देखने वाले हैं, ठीक है। ज्वेलरी मेरी हो गई है, ज्वेलरी को मैं साइड कर देती हूँ, अब दिखाती हूँ ड्रेस जो मैंने ली है, ठीक है। तो ड्रेस में यहाँ पे 3 पीस मुझे मिले हैं, उस तरह की पैकेजिंग में ये ड्रेस मेरी आई है गरबा की, एंड यहाँ पे 3 पीस मुझे मिले हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिटिंग बहुत अच्छी, फिनिशिंग, फैब्रिक सब कुछ बहुत बढ़िया है और रेडी टू वियर, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे दुपट्टा मुझे मिला है, साथ में मुझे यहाँ पे क्रॉप टॉप मिला है यानी ब्लाउज मिला है, और नीचे स्कर्ट मिली, और कलर कॉम्बिनेशन तो आप देख ही रहे हो कितना प्यारा है। आपको इसमें बहुत सारे और भी सिमिलर प्रोडक्ट भी मिल जाएंगे, अगर आपको लेने हो तो आपको और भी डिजाइन मिल जाएंगे, कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे ब्लैक और मरून ही लिया, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं दिखाऊंगी अपना ब्लाउज यानी कि मेरा क्रॉप टॉप, और ये रेडी टू वेयर है, कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी मुझे, एकदम से फिटिंग आ गया। तो इसका ये हो गया आपका फ्रंट, सुंदर है ये स्लीव्स प्यारी प्यारी, और बैक इसका दिखाती हूँ, फ्रंट तो आपने देख ही लिया, इसका बैक है बहुत डीप और बहुत ही प्यारा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉप ड्रेस का, ठीक है। अब हम दिखाते हैं इसका दुपट्टा यानी चुन्नी, तो काफी अच्छी लंबाई और चौड़ाई है चुन्नी की, भी कोई दिक्कत नहीं है, पूरा में मिरर और थ्रेड वर्क हो रखा है, मतलब बीच का तो प्लेन ही रहेगा, बाकी जो नीचे का जो बॉर्डर है इस तरह से पूरा मिरर और थ्रेड वर्क, और फिनिशिंग की तो बात क्या ही करूं मैं, बहुत ही प्यारी फिनिशिंग है, मतलब ऑनलाइन इस तरह की ड्रेस आ जाए तो क्या ही बात हो। और साथ में पूरे में से गोटा लेस लगी हुई है, पूरा तो प्लेन है, बाकी यहाँ पे ये पूरा आपको दुपट्टे में ये मिलेगा, ठीक है। ये हो गया हमारी चुन्नी दुपट्टा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्कर्ट। तो स्कर्ट का घेरा वगैरह काफी अच्छा है, तो यहाँ पे नेक्स्ट है हमारी स्कर्ट। स्कर्ट बहुत सुंदर है, ब्लैक कलर की है ये, इसका पूरा ऊपर का बॉर्डर है, पूरा इसमें भी गोटा पत्ती का वर्क हो रखा है, एंड इसका नीचे का जो घेरा है वो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, पूरा हेवी वर्क है, ठीक है। नीचे देखो कितना प्यारा है, कलरफुल लगा हो, तो ये लुक वाइज बहुत ज्यादा सुंदर है। और ये वाली जो ड्रेस है मुझे मिली है 1900 रुपए की, यानी 1900 रुपीज में मिली है, और इतनी सुंदर, इतनी हेवी, इतना हेवी लहंगा 1900 में मैंने लिया है। बहुत सारे और भी लहंगे आपको मिल जाएंगे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, ये वाला भी मैं आपको टैग करके दूंगी, ये वाला भी मैं आपको कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन में ये वाली ड्रेस दूंगी। उसके अलावा और भी सिमिलर प्रोडक्ट्स मैं दे दूंगी, लाइक मतलब इसी ड्रेस के और भी जो सिमिलर होंगे वो भी मैं आपको दूंगी, और आपको अंदर मतलब 2 से 2500 के अंदर, मतलब 1500 से लेकर 2500 के अंदर आपको एक से बढ़कर एक गरबा की ड्रेस मिलने वाली, और फिटिंग विटिंग इतनी शानदार है, फैब्रिक वैब्रिक एकदम मजेदार है, ठीक है। तो ये थी हमारी गरबा की तैयारी जो हमने कर ली है अमेजन से, और सब कुछ एकदम बढ़िया आ गया है। सबके जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन करूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो मेरा स्टोर है अमेजन का, इसको चेक करिएगा, बहुत सारी शॉपिंग हॉल ऑलरेडी अपलोडेड है और सारे प्रोडक्ट्स और आइटम्स टैग किए हुए हैं, इजीली आप चेक कर सकते हैं। और इस वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए,
प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको मिल नहीं रहा है या आउट ऑफ स्टॉक हो गया है या आउट ऑफ साइज हो गया, कोई भी इशू होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं उसको सोल्व करूंगी। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही। मुझे उम्मीद आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये जो गरबा का कलेक्शन पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, और ऐसे और अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन भी प्रेस कर दीजिए। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।